चीकोज रेसिपीज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, चीकोज रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चाप रोल, जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद होते हैं। मेरा जो खुद का बेटा है वो भी शाम होते ही कहेगा, मम्मा काठी रोल ला दो, चाप रोल ला दो। तो मैंने सोचा आज क्यों ना चाप रोल बना लिया जाए। तो चलिए बनाते हैं चाप रोल। चाप रोल बनाने के लिए मैंने लिया है 1 पाव चाप, 1 कप मैदा, 1/2 कप आटा, 1 प्याज पतले और लंबे कटे हुए, नमक 1/2 चम्मच, चाट मसाला, नींबू, तेल, टोमेटो केचप, रेड चिली सॉस और ग्रीन चिली सॉस। गैस ऑन करके हम पैन रखेंगे और पानी गर्म होने पर इसमें हम चाप को उबालेंगे 5 मिनट। पानी गर्म हो गया है, इसमें हम चाप डालेंगे और इसको 5 मिनट तक उबालेंगे। जब तक चाप उबलती है तब तक हम आटा गूंद लेते हैं। मैदा, आटा, नमक और 2 चम्मच तेल। आटे को हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंदेंगे, हमें इसको सख्त नहीं गूंदना है। इसका आटा ऐसा ही गूंदना है जैसा हम चपाती बनाने के लिए गूंदते हैं। हाथ पर हम थोड़ा सा तेल लगाकर आटे को थोड़ा सा ठीक करेंगे और इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। आटा भी गूंद गया है, चाप भी उबलनी शुरू हो गई है। अब इसे हम 3 से 4 मिनट और उबालेंगे बस, फिर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। चाप उबल रही है, आप चाहो तो इसके अंदर थोड़ा सा लाल रंग खाने वाला भी डाल सकते हो, जिससे चाप का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। और वैसे मार्केट में कलर वाली चाप मिल भी जाती है, अगर आपको वो पसंद हो तो आप वो भी ला सकते हो। हमने इसके अंदर खाने वाला लाल रंग डाल दिया है तो इसका इसके अंदर थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा कि जो देखने में भी अच्छा लगेगा। चाप अच्छे से उबल गई है, ये देखिए ये फूल गई है, इसका मतलब चाप अच्छे से उबल गई है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। इसको मैंने 5 से 7 मिनट उबाला है और चाप को हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में हमने इसे निकाल लिया है और इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके हम रखेंगे ताकि जो चाप के अंदर जो पानी गया हुआ है वो अच्छे से निकल जाए। थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसकी स्टिक निकाल देंगे, फिर हम गैस ऑन करके तवा रखेंगे, थोड़ा सा तेल डालेंगे और उबली हुई चाप हम उसके ऊपर रख देंगे। फिर हम इस पर थोड़ा थोड़ा तेल लगाएंगे। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसे डीप फ्राई ना करके तवे पर ही करूँगी। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक ये हल्की ब्राउन ना हो जाए। हल्की ब्राउन होनी शुरू हो गई है ये। गैस का फ्लेम हमें सिम ही रखना है और सिम करके ही हमें इसे अच्छे से पकाना है। गैस का फ्लेम अगर तेज़ करेंगे तो ये जल जाएंगी। अगर आपको चाप को थोड़ा जल्दी पकाना है, ढक्कन से इसको ढक दोगे 2-4 मिनट तो ये थोड़ा जल्दी से भुन जाएंगी। ये चाप अब अच्छे से शैलो फ्राई हो गई है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और चाप को किसी प्लेट में निकाल लेंगे। चाप को हम ठंडा होने पर किसी बोर्ड या प्लेट में रखकर काटेंगे और इसे किसी बाउल में रखेंगे। सारी चाप के मैंने पीसीस कर लिए हैं। इसमें डालेंगे हम 3 चम्मच टोमेटो केचप, 3 चम्मच ही हम रेड चिली सॉस डालेंगे। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा खाना है तो आप इसके अंदर रेड चिली सॉस ज़्यादा भी डाल सकते हो। 2 चम्मच ग्रीन चिली सॉस, इसे भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। और इसे हम अच्छे से मिक्स करके एक तरफ रखेंगे ताकि जो हमने इसके अंदर सॉस डाली है वो चाप में अच्छे से लग जाए। इसको अब हम एक तरफ रखेंगे और आटे की हम बनाएंगे चपातियाँ। आटे को हम अच्छे से मसल कर ठीक करेंगे और इसकी हम बनाएंगे अब चपातियाँ। आटे की पेड़ी आप अपने हिसाब से ले सकते हो, छोटे बनाने हैं तो आप छोटे ले सकते हो और अगर आपको बड़ी चपाती बनानी है तो आप बड़ा भी ले सकते हो। फिर चकले पर हम थोड़ा सा सूखा मैदा डालेंगे और इसको बेलेंगे। फिर इस पर हम लगाएंगे थोड़ा सा तेल और इसको हम रोल कर लेंगे। रोल मैंने इसलिए किया है क्योंकि जब हम इसका पराठा बनाएंगे तो ये फूले नहीं। इसकी जो चपाती है वो हमें ज़्यादा पतली नहीं रखनी है, मीडियम ही रखनी है और बाकी सारी चपातियाँ भी हम ऐसे ही बनाएंगे। सारी चपातियाँ हमने बना ली है,
अब हम फिर से गैस ऑन करके तवे को गर्म करेंगे। तवा गर्म होने पर हम उस पर लगाएंगे थोड़ा सा तेल और चपाती को उसके ऊपर डाल देंगे। चपाती को एक तरफ से सिकने के बाद उसको हम पलट देंगे, फिर हम उस पर लगाएंगे थोड़ा सा तेल। इस पर तेल थोड़ा हम ज़्यादा ही लगाएंगे। बाकी सारी चपातियों के परांठे भी हमें ऐसे ही बनाने हैं। सारी चपातियों के परांठे हमने बना लिए हैं, अब इसके अंदर हम चाप भरेंगे। ये मैंने सॉस बना के रखी हुई है, इसको मैंने टोमेटो केचप, चिली सॉस और रेड चिली सॉस तीनों को बराबर बराबर लिया और का मैंने सॉस बना ली। इसको सबसे पहले हम चपाती पर लगाएंगे और चाप भी हम चपाती के ऊपर लगाएंगे। फिर हम इस पर रखेंगे थोड़े से कटे हुए प्याज। अगर आपको कच्चा प्याज नहीं खाना तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हो। फिर हम इस पर डालेंगे चाट मसाला और कुछ बूंदें लेमन जूस की और इसको हम फोल्ड कर देंगे। इसे मैं बटर पेपर में रैप कर दूंगी ताकि खाने में आसानी रहे और जो चाप और प्याज है निकले नहीं। आप इसे फॉइल पेपर में भी रैप कर सकते हो। तो लीजिए, अब ये रोल बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे खाइए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए।